हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इस वीडियो में हम आपको जिसमें ज़ीरो होता है वो वाले डिवीज़न करना सिखाएंगे। आपको दोनों ही तरह के सवाल मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जब लास्ट में ज़ीरो हो, यानी कि डिवाइड के सिंबल के बाद में ज़ीरो ज़ीरो हो, तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, या फिर ये 100 या 1000, इन नंबर को पहले हो, नंबर बाद में हो, डिवाइड के निशान के बाद, तो कैसे करेंगे। तो ये पहला टाइप है और दूसरा टाइप भी आप इसी वीडियो में सीखेंगे। तो आइए, पहले टाइप को सीखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको दिखाई दे कोई नंबर डिवाइड का साइन, उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो वाले नंबर हो, वन के साथ में या फिर टू के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर जो लिखा है वो लिखेंगे 3, 4, 1, 2, 5, ये लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब आप इसे सीख जाएंगे तो सिर्फ देख कर ही इसका आंसर आप बता लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 3, 4, 1, 2, 5 है और उसके बाद डिवाइड का साइन है, तो उसकी जगह पे एक लाइन खींची जाती है, यानी बटे की लाइन बनाते हैं। उसके बाद जो नंबर लिखा है वो नंबर नीचे लिख देंगे, इस तरह से, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे देखिए जितने ज़ीरो हैं, इधर से आप गिनेंगे, किधर से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो 1, 2, 3, इधर से आप गिनेंगे राइट साइड की तरफ से, तो 1, 2, 3, तो राइट से लेफ्ट साइड में हमने गिने कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। तो ऊपर आपको नंबर गिनने हैं उतने ही नंबर जितने नीचे ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो हैं, तो 1, 2, 3, 3 नंबर गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 3 ज़ीरो कैंसिल होंगे, तो ऊपर के 1, 2, 3 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 4, 1, 2, 5। तो ये देखिए, इस तरह से आप ज़ीरो को कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर लिख देते तो भी सही है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए लिखा है। नहीं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख कर ही 1, 2, 3, 3 ज़ीरो हैं, तो 1, 2, 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, आप डायरेक्ट देख कर ही इसका आंसर बता सकते हैं कि 3, 4, 1, 2, 5 आएगा। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, इसको वीडियो को रोक के इसका आंसर पहले मुझे कमेंट करके बताइए, देखिए क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 1, 7, 5 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखेंगे, डिवाइड की साइन की जगह बटे की लाइन लगाएंगे, फिर जो नंबर है 100 लिखा है 100 लिख देंगे, नीचे 2, 0, 1, 2, राइट साइड से 2 ज़ीरो गिना हमने, 2 ज़ीरो थे, तो ऊपर 1, 2, 2 ज़ीरो के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.75 इस तरह से आ जाएगा। अब यहीं पर एक बोनस पॉइंट भी आप ले लीजिए, यहाँ पे आपने तो ये देख लिया कि अगर ज़ीरो इस तरह से हम काटते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर लिखा होता 2501, इस तरह से लिखा होता और नीचे 100 होता, तो क्या करते, तो 1, 2, 2 ज़ीरो कटते, तो 1, 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट आता और ये 2.25.01 आ जाता, ये आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ज़ीरो नहीं काटा, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इसको यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक नंबर है फिर ज़ीरो है, तो हमने नंबर नीचे वाले ज़ीरो काट दिए लेकिन ऊपर नंबर गिन के पॉइंट लगा दिया। लेकिन यहीं पर मान लीजिए 25 की जगह अगर ये होता 25 और 1 ज़ीरो, इस तरह से नंबर होता और नीचे 100 होता, तो ये दो तरह के एग्जांपल हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नंबर बाद में था, ज़ीरो पहले था, तो ज़ीरो हमने नहीं काटा, नीचे वाले ज़ीरो काट के पॉइंट 2 नंबर के बाद लगा दिया। लेकिन अगर नीचे 2 ज़ीरो हैं और ऊपर 1, 2, लेकिन अगर लास्ट में 0 हैं तो वो कट जाएंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये वाला कट जाएगा और ये वाले 0 से एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि ये 0 से ये 0 तो कैंसिल हो गया और इस 0 की वजह से 1 ज़ीरो हमने हटाया, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो आपका आंसर आएगा 25.1। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, आप बिल्कुल ध्यान से देखकर समझ लीजिए। यहाँ पे जब 0 बीच में होता है तो नहीं काटा जाता है, लास्ट वाले 0 ऊपर नीचे कट जाते हैं, तो ये चीज़ आपको मुझे समझानी थी। तो मुझे उम्मीद है आपको लास्ट वाले 0 अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आइए देखते हैं, अगर शुरू में 0 हो और लास्ट में नंबर हो तो उसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो अब आपके सामने इस वीडियो का दूसरे टाइप का एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर शुरू में 0 वाले नंबर हो और बाद में नंबर हो तो इसे कैसे करते हैं। अगर लास्ट में नंबर 0 वाला नहीं है तो आपको इसे बेसिक मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि नंबर लिखा हुआ है, आप सबसे पहले इस तरह का डिवाइड का साइन बनाएंगे और फिर जो नंबर शुरू में है उसको इसके अंदर लिख देंगे और जो नंबर बाद में है वो शुरू में लिख देंगे, इस तरह से। अब आपको इसे सिंपली डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए,
लेकिन सिक्स का पहाड़ा मान लीजिए हम वन बार भी पढ़ेंगे तो सिक्स आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हमने कहा इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि सिक्स आए, वन आए या वन से कम आए, लेकिन वन से बहुत ज़्यादा आ रहा है एक ही बार पढ़ने में। जब इस तरह से बन जाए तो आप इसके साथ में एक और डिजिट ले लीजिए, वन और ज़ीरो के साथ में ले लीजिए, तो टेन हो जाएगा, दस हो जाएगा। तो अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि टेन आए या टेन से कम आए, तो आप पढ़ेंगे पहाड़ा वन बार और सिक्स आ जाएगा। अब लाइन को खींच के इसे माइनस करेंगे तो यहाँ फोर बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसे यहाँ उतार लेते हैं। अब ये 40 हो गया। अब इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 40 आए या 40 से कम आए, तो 6 का पहाड़ा आप हम पढ़ेंगे 6 बार और 36 आ जाएगा लाइन को खींच के। अब इसे फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है। अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो अपने मन से यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट की वजह से यहाँ एक ज़ीरो लग जाएगा। अब ये 40 हो गया। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 40 आए या 40 से कम आए, तो 6 का पहाड़ा फिर से 6 बार पढ़ेंगे, 36 आएगा, घटाएंगे 4 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ पर अगले नंबर को उतारा जाता है, लेकिन आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो हम यहाँ फिर से अपने मन से ज़ीरो लगा सकते हैं पॉइंट की वजह से। तो पॉइंट की वजह से यहाँ ज़ीरो लगाया, पॉइंट की वजह से घटाने के बाद फिर यहाँ ज़ीरो लगाया, फिर से 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 आएगा, घटाएंगे 4 बचा, फिर से यहाँ ज़ीरो लगा सकते हैं। इस तरह से घटाने के बाद हर बार एक ज़ीरो पॉइंट की वजह से लगा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा इस डिवाइड का 16.66। तो इस तरह से आप डिवाइड करते हैं। अगर नंबर ज़ीरो वाला पहले हो और बाद में हो तो कैसे करते हैं, वो भी आप मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और नई वीडियो में।